तो आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा आज की वे ने वीडियो है मेरा फर्स्ट, क्योंकि मेरा 10K सब्सक्राइबर प्लस हो गया है। तो थैंक यू, ऐसे सपोर्ट कीजिए, आगे और बढ़ाते दीजिए। उसके बाद से आज का जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो है, लोगों को बहुत कुछ जानना है मेरे बारे में, तो मैं बताऊँगी अभी। तो चलिए करते हैं अभी वीडियो स्टार्ट। उसके बाद से मेरा जो फ़ोन है उससे तो मैं वीडियो कर रही हूँ, तो मैंने अपने जो पड़ोस में जो एक भाई है उसका फ़ोन दिया है, वहाँ मैंने अपना लॉगिन किया है यूट्यूब अकाउंट, तो वहाँ से मैं देखूँगी क्वेश्चन। उसके बाद से जो इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछा है उसको मैंने व्हाट्सअप करके उसमें डाला है, तो वो फ़ोन से मैं रिप्लाई खुल गया। ओके, तो चलिए करते हैं अभी वीडियो स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को पता होगा मैंने जो यूट्यूब का कम्युनिटी वाला है पार्ट, उसमें मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया है, उसके बाद से क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों का क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। तो उनमें 81 क्वेश्चन मिला है मुझे, तो वहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद से जो सिमिलर क्वेश्चन है उसे मैं दे दूंगी। उसके बाद से और एक बात, ये वीडियो अगर मैं पूरा आंसर दूँगी सबका तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जो बेसिक है आप लोगों को जानना है, उसके बाद से कुछ कुछ है तो उस लोग तो वो आंसर मैं दे दूंगी अभी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर करके जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुदांग सुंकू से है, ने मुझसे दो क्वेश्चन पूछा है तो मैं एक का रिप्लाई करूंगी। तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू हार्ड वर्क। ओके, तो वैसे तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सोचा है मैंने ये करूँगा वो करूँगा, तो हार्ड वर्क करने के लिए जो मोटिवेट किया है वो मम्मी, अपना जो मम्मी है उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है हार्ड वर्क करने के लिए, वही है मोटिवेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैनियल जेलिंग से, उन्होंने पूछा है डू यू हैव बीए, व्हाट योर फेवरेट फूड, व्हेन यू गॉट बोरिंग व्हाट टू डू, व्हेन यू डू ब्लॉगिंग हाउ मेनी डेज टू अपलोड, बट व्हाट इज योर फेवरेट फूड, फ्रूट्स और फूड। उसके बाद जो फ्रूट्स है वो है वाटरमेलन, उसके बाद जो ब्लैक ग्रेप्स होता है ना वो वाला बहुत पसंद है, उसका बेरीज भी बहुत पसंद है लेकिन यहाँ में नहीं मिलता है। उसके बाद फूड में मुझे ऐसा जो स्ट्रीट फूड है ना जंक फूड ये सब बहुत पसंद है, चिकन लॉलीपॉप, उसके बाद से मोमोस, ये सब बहुत पसंद है। मोमो तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मोमो का जो चटनी होता है वो बहुत पसंद है, वो खा खा के पूरा गैस हो गया है, अभी मोमो खाने से पूरा उल्टी हो जाता है हमको, क्योंकि बहुत गैस है तो मिर्चा नहीं खा पा रहे हैं, तो फिलहाल वो ये मोमो पसंद है। उसके बाद व्हेन डू यू ब्लॉगिंग हाउ मेनी डेज यूट्यूब, व्हेन डू यू ब्लॉगिंग, जब भी कहीं जाता है कुछ प्लानिंग होता है तो हम उसी समय ब्लॉगिंग कर देते हैं, उसके बाद ठीक करने ज़्यादा समय नहीं लगता है, हम 2 घंटा तक कर लेते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद ही हम ब्लॉग को अपलोड करते हैं, तो वही है। थैंक यू क्वेश्चन के लिए डैनियल जेलंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनंदन कुमार से, एट फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 10K सब्सक्राइबर, थैंक यू। तो माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन एंड व्हाट डू यू वांट इन हिज लाइफ, ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया तो फर्स्ट वाला को मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आपने पूछा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल मैं जस्ट ऐसे पड़ा हुआ हूँ घर पर, मैं मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कम्प्लीट हो गया है, तो फ़िलहाल ऐसे ही है, स्टूडेंट है, ऑक्यूपेशन तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबा पासीघाट से, ये पूछा है वेयर डू यू स्टे इन पासीघाट, सो यू ट्रेलिंग, हम जहाँ भी जाता है वहाँ 30 to 40 मिनट्स पहुँच जाते हैं। ओके, तो हम रहता है मेन टाउन में, पासीघाट का जो मेन टाउन है मार्केट साइड यहाँ रहता है, तो यहाँ से हर जगह सामने है डीसी ऑफिस, मार्केट, उसके बाद से ये क्या बोलते हैं मेडिकल, उसके बाद से सियांग, सब कुछ सामने ही है। उसके बाद से चलने में हम बहुत एक्सपर्ट है, तो हमको जब हम चलते हैं बहुत स्पीड हो जाता है, हम सिंगल जब चलते हैं ना तो और स्पीड होता है, दोस्तों के साथ हमसे थोड़ा स्लो होता है, तो चल के जाते हैं, इससे शायद मेरा चलने का जो वो है स्पीड ज़्यादा है इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। उसके बाद से वही है, हम मेन मार्केट टाउन में रहते हैं पासीघाट का। ओके, थैंक यू क्वेश्चन के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरिक पादो से, हेलो अमम, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, कीप ग्रोइंग, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव क्वेश्चन फॉर यू,
सम क्वेश्चन फॉर यू. तो व्हाट्स इंस्पायर यू टू स्टार्ट यूट्यूब, वन क्वेश्चन. उसके बाद से दूसरा पूछा है, विल यू टेक यूट्यूब एज अ लॉन्ग टाइम करियर. उसके बाद थ्री, whom you keep as first priority in your life, what is your qualification, mention some hobbies or your of yours and what is your aim in life. Okay, so इन्होंने total six question पूछा है. तो first, what inspire you to start YouTube. Okay, तो first जब हम YouTube start किया था वो तो दीदी से दिख के किया था. उसके बाद से honestly लेंजिंग का जो YouTube channel, जो YouTube से लेंजिंग को जो फेम मिल रहा है, उसके बाद जो उसको सक्सेस मिल रहा है, तो उसको देख के हम बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, क्या बोलेगा, इंस्पायर हो रहे हैं. तो हम भी चाहते हैं कि हम भी YouTube में अपना नाम कमाएं, पैसा कमाएं. उसके बाद से आपका और एक क्वेश्चन था क्या करियर, तो आपका और एक क्वेश्चन था विल यू टेक यूट्यूब एज अ करियर. हाँ, अगर YouTube का जो जर्नी है इसमें हम सक्सेस होते हैं, अगर हम इससे अच्छा खासा कमाते हैं, तो ऑब्वियस सब बात है हम इसको करियर का हिसाब में लेगा और हम करियर बनाएगा. क्योंकि अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है मेरा, कुछ हम कर भी नहीं रहे, जस्ट ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है. तो हाँ, एज ए करियर हम इसको ज़रूर लेगा अगर हम सक्सेस होता है होने से. देखिएगा अगर सब्सक्राइबर ये सब बढ़ता है, उसके बाद से कुछ अर्न होता है, तो फिलहाल तो मेरा कुछ अर्न नहीं है. कोई कोई लोग पूछ रहा था कि कितना अर्न किया ये, तो 10K सब्सक्राइबर हो गया, 1 रुपये भी हम अर्न नहीं किया अभी फ़िलहाल. क्वेश्चन आप पूछा है, हुम यू कीप एज फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ. तो ऑब्वियसली मेरा मम्मी, मेरी मम्मी को हम रखते हैं. उसके बाद से फ़िलहाल तो मम्मी ही है, तो मम्मी को ही रखते हैं. उसके बाद व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन. ओके, तो मेरा क्वालिफिकेशन है, आई एम जस्ट ग्रेजुएटेड दिस ईयर फ्रॉम द जेएन कॉलेज पासीघाट, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट. उसके बाद से इंग्लिश से मैंने मेजर किया है. उसके बाद से जो इंग्लिश है ना, यहाँ हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करते ना, तो इंग्लिश में मेरा इंग्लिश जो है अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश बोलना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है. उसके बाद से और एक ने पूछा है, और एक ने उसका नाम मैं भूल गई, पूछा था कि आपने हिंदी कहाँ से सीखा. तो ओके, तो हिंदी मैंने, ऐसा हुआ था जब मैं छोटी थी, मुझे हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था, हिंदी जो सब्जेक्ट था मुझे बहुत इजी लगता था. तो क्लास 10 तक मेरा जो था दिमाग में, टीचर लोग को जो हिंदी टीचर लोग को दिखता था, तो बहुत इजी लगता था कि इसे पढ़ा लेते हैं, इतना इजी है, हम भी सीखेगा, ऐसा सोचता था. तो हम सोचा था कि हम हिंदी टीचर बनेगा, तो इसके लिए हम फर्स्ट गए, 3-4 स्ट्रीम था हम लोग का जब हम क्लास 10 पास किए. एक था हिंदी, एक था इकोनॉमिक्स, उसके बाद एक था साइंस और एक था एग्री. तो और एक था ये कॉमर्स, एक था कॉमर्स. तो 5 था सब्जेक्ट, तो हम हिंदी चूज़ किए क्योंकि हमको हिंदी लाइन में बहुत जाना था, क्योंकि हमको हिंदी टीचर बहुत पसंद था, तो हम हिंदी टीचर बनना चाहता था आगे जाके. उसके बाद से क्लास 11 में हम हिंदी पढ़ाए, 12th में भी हिंदी पढ़ाए, तो 2 साल हम हिंदी अच्छा से पढ़ाए. तो उसके बाद से जब हम कॉलेज पहुँचे, तो हमको सब्जेक्ट चूज़ करना था, तो उसमें भी हम हिंदी ही किए. लेकिन जब हम 4th सेमेस्टर पास हुए, फोर्थ सेमेस्टर पहुँचे, तो हमको मेजर लेना था, तो हमको हिंदी लेना चाहिए था, हमको अभी ऐसा लगता है. लेकिन ऐसा हुआ है, तो उस समय ऐसा होता है ना, कॉलेज में अकेला अकेला रहने मन नहीं होता है, तो जो जितना भी मेरा दोस्त था सब लोग इंग्लिश मेजर ले रहा था. तो ऑनेस्टली दोस्त लोग इंग्लिश ले रहा था, इसलिए हम ले लिया, क्योंकि हम दोस्त लोग छोड़ना नहीं चाहता था, नहीं तो हम हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था. वही ये हिंदी हम अपना जो स्टडी लाइन है यही से सिखाए, छोटा से हिंदी में इंटरेस्ट था, तो यही है कारण जिससे हम हिंदी सिखाए. हालांकि बहुत लोग कमेंट भी बोलते हैं कि आपका हिंदी बहुत अजीब है, कैसा हिंदी बोलता है, हिंदी ठीक करो ये वो. तो हिंदी तो ठीक ही है लगता है हमको, लेकिन थोड़ा टोन जो है ना वो नहीं मिलता हम लोगों का, यहाँ का जो हिंदी होता है बाहर जैसा नहीं होता है. तो वही है, हाँ, लेकिन अगर आप लोग बोला है कि हिंदी ठीक करो, तो ज़रूर हिंदी ठीक करेगा आगे से. और आगे का जो ब्लॉगिंग होगा, जो भी स्टार्ट, जो भी वीडियोस आएगा, उसमें हम अच्छा से हिंदी बोलना स्टार्ट करेगा. अभी भी प्रैक्टिस ही चल रहा है मेरा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ओके, तो वांगसू ने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. इन्होंने मुझसे पूछा है, इन फ्यूचर में अगर आपको आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ब्लॉगिंग करने से मना करेगा, तो आप क्या करेगा. तो इसका आंसर यही है कि ऐसा कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं होगा जो मेरा
जो हम पसंद है वो हमको करने से रोके, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो तब का तब देखा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं बोल सकता। तो बहुत लोगों ने सेम क्वेश्चन किया है, क्वालिफिकेशन, उसके बाद से रिलेशनशिप, उसके बाद बॉयफ्रेंड, ये सब के बारे में पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है रोनी देबर माँ ने, आप कहाँ से हो, आप कितनी एज की हो। अब इन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछा है। यूट्यूब से पहले आपने क्या क्या करती थी, आप अभी यूट्यूब के अलावा क्या कर रही हो, यूट्यूब पे आने के बाद कैसा सोची, ब्ला ब्ला ब्ला। 10 क्वेश्चन है, तो एक एक मैं रिप्लाई करूँगी। तो आप कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम पासीघाट, मैं पासीघाट से हूँ। यूट्यूब पे आने से पहले आप क्या करती थी। मैं यूट्यूब में आने से पहले घर पे रहती थी, ग्रेजुएशन हो गया था, कोरोना चल रहा है तो हमेशा घर में थी, भी नहीं करती थी। उसके बाद से नंबर 4 में है यूट्यूब के अलावा। तो दूसरा क्वेश्चन है यूट्यूब पे आने के बाद कैसे आने, यूट्यूब पे आने के बारे में कैसे सोची। तो यूट्यूब में आने के लिए मैंने अपने सिस्टर से सोची। तो यूट्यूब कैसे मैं यूट्यूब पे आई, तो मैंने अपने सिस्टर के जो वीडियोस बनाने वाले देखी थी उसे देखकर मैं आई वीडियो यूट्यूब बनाने के लिए, मैं मोटिवेट हुई, स्टार्ट कर लिया मैंने। फेव कलर ब्लैक और व्हाइट, ओके, फेव कलर ब्लैक भी है, वाइट भी है, पिंक भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, सब कुछ है, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है मेरा फेव, सभी है, ओके। नोविन चैनल ने मुझसे पूछा है, माई क्वेश्चन इज दैट आर यू नेपाली और ट्राइबल ऑफ पासीघाट, प्लीज़ एंसर। बाय द वे यू आर सो ब्यूटीफुल यूट्यूबर रिगार्डिंग दिस गर्ल्स यूट्यूबर कैटेगरी फ्रॉम नोटिस आई हैव सीन सो फार, थैंक यू सो मच नोविन चैनल। तो मैं नेपाली नहीं हूँ, आई एम नॉट नेपाली, आई एम असमिस, मैं असमिस हूँ, मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। सो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद रोड साइड गैरेज ने पूछा है, वांट टू सी लेंजिंग एंड यू टुगेदर, ओके। तो लेंजिंग और मेरा जो साथ वाला वीडियो होगा वो आफ्टर 50 के सब्सक्राइबर के बाद ही आएगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जितना फैलाना चाहते हैं वीडियो को फैलाइए, जल्दी जल्दी 50K करा दीजिए। अगर 50K हो जाता है उनसे लेंजिंग के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, मैंने लेंजिंग से बोल के रखा है, ओके। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स बट आई रियली वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर फुल नेम। तो ये पूछा है लीचूस फूड एंड ट्रेवल ने, ओके, थैंक यू। तो मेरा जो फुल नेम है वो है अमन दास, मेरा नाम है अमन इज माई नेम एंड दास इज माई टाइटल। सो आई बिलोंग टू असम, आई एम असमिस गर्ल। जिन लोगों को नहीं पता है कि मेरा ट्राइब क्या है, कम्युनिटी क्या है, तो मैं असम से हूँ पर मैं रहती पासीघाट में हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ है पासीघाट में। उसके बाद से मेरा जो मम्मी है वो यहाँ का है, पासीघाट का है, महबूब विलेज का, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। तो वही है, जब से बॉर्न हुआ है, जब से जन्म हुआ है, यही रह रहा है। असम जाता है पर इतना नहीं जाता है, कभी कभी जाता है, वेकेशन में पहले जाता था, इस साल भी गया था बोर्ड का समय में, कुछ काम से गया था। तो हाँ, मैं असम से हूँ, आई एम असमिस गर्ल। तो असम वाले भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ओके। तो असम रेबोन ने मुझसे पूछा है, हाउ डिड यू लर्न असमिस लैंग्वेज, ओके। तो आपको पता चल गया होगा असमिस लैंग्वेज कहाँ से सीखा। तो असम रेबोन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं असमिस हूँ, तो मैंने अपना जो असमिस लैंग्वेज है वो बस्ती से सीखा है, जब मैं छोटी थी और थोड़ा पहले, जब भी मैं जाती हूँ असम, तो पापा का जो भाई लोग हैं, मेरे चाचा चाची लोग हैं, वो लोग एसएमएस में हम लोगों को बात करते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा थोड़ा सीख लिया, इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद से वो जो न्यूज़ में बोलता है ना, एक वो प्योर वाला एसएमएस, हमको वो थोड़ा भी समझ नहीं आता है, बाकी हमको समझ में आता है और थोड़ा थोड़ा एसएमएस बोल लेते हैं। थैंक यू असम रिबोन सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका है। What do you want to do in your life? Okay, तो मेरा लाइफ में हम सक्सेस होना चाहते हैं, किसी का भी थ्रू, यूट्यूब का थ्रू या लाइफ में जो भी काम करेगा उसका थ्रू, लेकिन सक्सेस ज़रूर होना चाहते हैं। सक्सेस इसलिए होना चाहता है क्योंकि हम अपना मम्मी जो है, मेरा मम्मी बहुत मेहनती है, तो मम्मी को लाइफ में आगे जाके देखना चाहते हैं,
उसका जो भी नीड्स हम पूरा करना चाहते हैं, तो वही है, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, यही है मेन। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सब हम ट्राई करेगा। उसके बाद से जो यूट्यूब है इसको भी ट्राई करें, अगर इसमें सक्सेस हो जाता है उनमें से तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ओके, तो अजुकुम ने मुझसे बोला है, प्लीज़ 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 डू योर क्वेश्चन एंड आंसर इन इंग्लिश एस आई कॉन्ट अंडरस्टैंड हिंदी बाई दी वे वट यू डू फॉर लिविंग अदर देन यूट्यूब। ओके, सो ऑनेस्टली मेरा जो इंग्लिश है बहुत ख़राब है। हम लोग जो है ना यहाँ हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंग्लिश ये सब नहीं बोलते, तो हम ग्रेजुएशन अपना इंग्लिश से किए हैं। हमको जो है टाइपिंग ये सब करने में बहुत एक्सपर्ट है, हम इंग्लिश में हम पूरा रिप्लाई कर दिया, लेकिन मुँह से मेरा वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं। जब हम बोलने जाते हैं ना इतना मेरा होता है ना वर्ड्स ही गायब हो जाते हैं, दिमाग में आता ही नहीं। तो इसलिए हम अभी हिंदी से ही करेगा, आगे अगर मेरा इंग्लिश अच्छा हो जाता है उनसे हम ज़रूर इंग्लिश से करेगा। ओके, तो मच अवेटेड जो क्वेश्चन है सबका, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो कमेंट किया है, उसके बाद से जो ये इंस्टाग्राम में, जो व्हाट्सएप में, जो एफबी में, जो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया है वो है कि क्या अब, तो वो है क्या लेंजिंग और आप डेट कर रहे हैं, क्या लेंजिंग और आप रिलेशन में है, क्या लेंजिंग आपका क्या लगता है, लेंजिंग आप दोनों क्या है, ये वो ब्ला ब्ला लेंजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हाँ, सबको मैं बता दूँ कि लेंजिंग मेरा जो है भैया है, भैया। ओके, तो हम कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि वो मेरा भैया है, तो भैया कैसे हुआ है, आप दोनों झूठ मार रहा है ये वो बोल रहा था, तो वो लोग को मैं बता दूँ कि लेंजिंग मेरा भैया कैसे हुआ है। मेरा मम्मी का जो ट्राइब है और जो टाइटल है वही मम्मी, वो जो मेरा, ओके, तो जो मेरा मम्मी का ट्राइब है और टाइटल है वही लेंजिंग का मम्मी का भी है। तो मेरा मम्मी और जो लेंजिंग का मम्मी वो दीदी बहन लगता है टाइटल से, तो मेरा मम्मी का जो टाइटल है वो दाई है, और लेंजिंग का भी मम्मी का जो टाइटल है वो दाई है, तो उस हिसाब से लेंजिंग मेरा भैया ही लगता है और वो भैया ही है, हम भैया ही मानते हैं उसको। तो हम दोनों रिलेशन में नहीं है, और लेंजिंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेंजिंग मेरा भैया है। तो और ये वाला क्वेश्चन आई होप अभी रिपीट नहीं होगा। तो लेंजिंग मेरा भैया है, सभी को बता दो, बुबंग का मतलब होता है भैया, जो यहाँ का आदि ट्राइब है वहाँ में बुबंग बोला जाता है भैया को, तो इसलिए हम बुबंग लेंजिंग बेबुंग लेंजिंग बोलते हैं। और कोई कोई लोग रिप्लाई भी कर दिया था कि ये दोनों रिलेशन में नहीं है या डेटिंग नहीं कर रहे, ये बुबंग बोल रहे, बुबंग का मतलब ब्रदर, ये सब कोई कमेंट में रिप्लाई भी कर दिया, थैंक यू जो भी कमेंट में ऐसा रिप्लाई कर दिया। उसके बाद वही है, बुबंग हम दोनों रिलेशन में नहीं है, हाँ एक रिलेशन है वो है भैया और बहन का, तो वो मेरा भैया है। हाँ, तो मेरा भैया है, तो वही है। तो मौसम भी पूरा अंधेरा होने वाला, देखिए, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करेगा, पूरा नहीं कर पाएगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वाला में हम ज़रूर करेगा, तो ये वाला में जितना हो सकता है वो करेगा। ये तो शाम हो गया, अंधेरा होने वाला है, तो ये यहाँ से वीडियो तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओहो, मेरा बैटरी भी लॉस, तो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। ओके, तो व्हाट्सएप में हमको दो तीन क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा नहीं पूछा है क्योंकि सब लोगों को मेरे बारे में पता ही है। तो मेरा जो दोस्त है गयम जीजों, उन्होंने पूछा था, तो गयम तेरे लिए देखो हम बोल रहे, तो गयम पूछा था कि क्या तुम मिस करेगा अपना ये जो क्लासमेट था बीए फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर जो इंग्लिश मेजर का था, तो ऑब्वियसली हम मिस करेगा क्योंकि जो मेरा अच्छा वाला जो पार्ट था वो वही था, तो हाँ मिस करेगा, और तुमको तो ज़्यादा ही करेगा, और तुम तो कटेक में ही, तो तुमको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर हम लेके आएगा गयम जीजों, याद रखना। उसके बाद से इंस्टाग्राम में चलता है, इंस्टाग्राम में भी कुछ क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो अंधेरा होने वाला, जल्दी जल्दी ब्लॉग को कंप्लीट करेगा। उसके बाद आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा मेरे आंसर से, क्योंकि मेरा ना ऐसा हो गया है, हम दूसरा का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन हमको पढ़ने में उसके बाद देखने में इतना वो हो रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उसके बाद से एक ही क्वेश्चन जैसा बहुत लोग पूछे ना, तो वो नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो वीडियो होगा Q&A माफ़ कर दीजिएगा जिसका रिप्लाई नहीं मिला होगा, तो जो बेसिक है जो जानना चाहिए था आप लोगों को वो लोग तो समझ आ गया होगा, देख सकते हैं आप लोग, पूरा अंधेरा होने वाला है, ये जो फ्लैश लाइट है इसी से फेस भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से
इंस्टाग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, आर यू सिंगल पूछा है, उसके बाद से आई लव यू, व्हाट्स योर फुल नेम, फुल नेम तो आप लोगों को पता चल गया होगा, लेंजिंग इज़ योर बॉयफ्रेंड ये भी पता चल गया होगा, उसके बाद से आई होप योर ड्रीम कम ट्रू, उसके बाद से व्हाट इज़ योर रीजनल लैंग्वेज, ये हमको कुछ कमेंट सेक्शन में पूछा था वीडियो का सूजी एंजल ने, तो जो यहाँ का लैंग्वेज है वही है आदि है, तो हम और भी कोई था उसका हम नाम भूल गया, लेकिन हम कमेंट जब कर रहा था ना तो हम पढ़ा था, तो उसका हम याद करते हुए बता देगा, हमको आदि कैसे आता है पूछा था, तो हम जैसा कि बताया मेरा मम्मी आदि है अरुणाचल का है पासीघाट में बैठते हैं, तो ऐसे हमको आदि मिन्योंग पासी पादाम, उसके बाद से गालो नेपाली, उसके बाद से कुछ कुछ जो ट्राइब है कोछाड़ी इतना नहीं, लेकिन हाँ बाकी जो ट्राइब है उसका जो लैंग्वेज हमको पूरा आता है, आदि तो हमको परफेक्टली आता है क्योंकि हम छोटा से बहुत बस्ती ये सब गया हुआ था, तो हमको ये आदि के बारे में थोड़ा कुछ बहुत कुछ हमको आदि के बारे में पता है, तो आदि लैंग्वेज हमको परफेक्टली आता है, वही कारण है मम्मी आदि है इसलिए हमको जो है आदि लैंग्वेज आता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके लोमकर बी, ओके तो सब लोग यही पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, टाइटल, उसके बाद से रिलेशनशिप स्टेटस, उसके बाद से क्वालिफिकेशन, उसके बाद से कहाँ से हो आप, उसके बाद से क्या बनाना आता है आपको। ओके तो जो पहला वाला क्वेश्चन था आप लोगों का जो क्वेश्चन है तो वो सब सिमिलर है, तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, तो आपको क्या सब व्हाट डू यू कुक बेस्ट पूछा है, ये डेविड ने पूछा है इंस्टाग्राम में, तो मैं बता दूँ मुझे सबसे बेस्ट जो बनाना आता है वो है मैगी, क्योंकि मुझे मैगी बहुत अच्छे से बनाना आता है, बिना ऑयल का बॉयल करके हम बनाते हैं टोमेटो डाल के, लेकिन बहुत अच्छा बनता है, मेरा दोस्तों को बहुत पसंद है, इसके बाद से वही है। ओके तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, एक्चुअली ना घर में जो है बहुत हल्ला हो रहा था, तो हम छत में आ गया, छत में ब्लॉग कर रहे, ये क्यों इन्हें वीडियो बना रहे, देखिए देख रहे पूरा अंधेरा होने वाला है, शाम का 6:30 हो चुका है, इतना अंधेरा नहीं हुआ, तो फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है इसका मदद से, इसी का मदद से अभी हम बनाने वाला है वीडियो, तो जो फ्लैश लाइट है इसी का मदद से अभी हम वीडियो एंड करने वाला है। तो और एक क्वेश्चन था जवाहरलाल लिंबू से, उन्होंने पूछा था क्यूटी विच कैमरा यू मेकिंग वीडियो कैन यू टेल मी। ओके तो मेरा जो कैमरा है ये एक नॉर्मल सा फ़ोन है वीवो Y93 जो मैंने एक साल पहले लिया था, तो यहाँ का जो कैमरा क्वालिटी है ना ये बहुत अच्छा है, जो रेटिंग था वो 4 कुछ था शायद, तो उसी को देख के मैंने लिया था क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है, मैं इंस्टाग्राम यूज़र हूँ, मुझे इंस्टाग्राम करना बहुत पसंद है, तो फ़ोटोज़ ये सब अपलोड करना पड़ता है, इसके लिए मैंने ये लिया था पासेर का मेन मार्केट से 12,000 में मिला था, अभी फ़िलहाल मैंने उस दिन इसे देखा था फ्लिपकार्ट में, तो 17,000 कुछ हो गया था, तो मेरा जो YouTube वीडियो बनाता है वो मैं ये फ़ोन से बनाती हूँ जो कि मॉडल है वीवो Y93, कैमरा बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो सब सिमिलर क्वेश्चन ही है, और एक क्वेश्चन हमको बहुत पसंद आया, और एक क्वेश्चन है ये भी सिमिलर है। ओके तो टी नापोमुंग ने मुझसे पूछा है आर यू कॉकटेल, सो आप लोगों को पता चल गया होगा मेरा मम्मी जो है वो है आदि, उसके बाद से पापा जो है एसएमई से, तो मिला के हो गई हूँ मैं कॉकटेल, सो यस आई एम कॉकटेल, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद वही है सब सिमिलर क्वेश्चन है, तो जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई नहीं किया वो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसे कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि अभी जो है ना शाम हो गया है, अंधेरा होने वाला है, तो लाइट्स भी नहीं है, छत में है, घर में वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ में आ गया, तो वही है अगर किसी का आंसर का रिप्लाई हम नहीं दिया होने से आप कमेंट सेक्शन में दे दो तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो गाइस आज का जो Q&A वीडियो है यही मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अंधेरा होने को है, लाइट्स तो नहीं है, सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा देखकर मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बाद से नया जो YouTube वीडियोस है जो ब्लॉगिंग है मैं नया डालूँगी, एक दो वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी है मैं अपलोड करूँगी, पर उससे पहले ये वाला मैं वीडियो अपलोड करना चाहती थी वो ब्लॉगिंग पहले का है, लेकिन रिसेंटली क्या है लेकिन एडिटिंग ये सब करके पूरा फिनिश्ड है, अगर तो गाइस नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो
कुछ लोकल सब्जी ये सब के ऊपर होगा, उसके बाद समर ब्लॉग भी आने वाला है। तो सब ब्लॉग जो है मैंने एडिट करके रखा हुआ है, समय नहीं मिल रहा है इसलिए एडिट नहीं किया था, तो अभी एडिट करके रखा हुआ है। ये क्यू एन ए वीडियो के बाद मेरा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है, उसके बाद से एक्चुअली जो नया वीडियो से वो मैं बस्ती वाला जो है ना, यहाँ का लोकल वाला बस्ती, यहाँ का जो विलेजर से उसका लाइव, उसके बाद से वो लोग क्या करते हैं वो सब हम दिखाने वाला था। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, ये जो पासीघाट में कोरोना पॉजिटिव बहुत पकड़ लिया हम लोगों का जो पड़ोस है, यहाँ पड़ोस मतलब अलग गली, वो हमें बहुत कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो पूरा वो लोग का जो कॉलोनी है पूरा सील किया हुआ है। उसके बाद से हम लोग भी थोड़ा डर रहे, केस इतना बढ़ रहे, तो इस सियांग में अभी पूरा जो मेन पासीघाट में है यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है 9 तारीख से, 9 तारीख से सुबह का 8 बजे से शाम का 2 बजे तक ही दुकान खुलेगा, उसके बाद से पूरा जो समय होगा वो कर्फ्यू में होगा, तो हम लोग जा भी नहीं सक रहे। तो अगर ये जो COVID-19 का केस है थोड़ा ठीक हो जाता है, उसके बाद से आई होप COVID-19 जल्दी चला जाए और सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाने से थोड़ा ठीक है, थोड़ा हेल्प मिलेगा गवर्नमेंट को भी इससे लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वैक्सीन नहीं ले रहे। हाँ तो ये सब छोड़ो, तो क्या बोला था, हाँ तो वही है, बस्ती जाने से हम बस्ती वाला ब्लॉग लाएगा। तो अभी आप लोगों को सिर्फ मेरा फेस दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, क्योंकि रात हो गया है, देखिए रात इन द सेंस पूरा रात नहीं हुआ है, लेकिन वही है ये से कर रहे हैं। उसके बाद वही है, आपका टाइटल क्या है, दास है, SMS हूँ मैं, आई बिलोंग फ्रॉम आसाम। उसके बाद हाँ और एक बात, जो भी आसाम के लोग हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आसाम से भी बिलोंग करती हूँ, आसाम मेरा होम टाउन है, मैं पासीघाट में पैदा हुई हूँ, यहाँ रहती हूँ, यहाँ मेरा पढ़ाई है सब कुछ, एक पर जो घूम फिर के मैं तो हूँ आसामीस ही ना, तो जितना भी आसाम के लोग हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यूट्यूब जर्नी में। उसके बाद से वही है, क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो बस इतना तक ही रखूँगी मैं, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी सबका जो क्वेश्चन होगा उसको मैं रिप्लाई करूँगी, अभी तो पूरा अंधेरा हो गया। ओके सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा देखकर। अभी देखिए इसके थ्रू मैं अपना फेस मलाई देके आप लोगों को दिखाई देने के लिए बना रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आई होप आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा, जो क्वेश्चन था ना सब सिमिलर क्वेश्चन था, तो इसलिए और क्वेश्चन 84 जैसा क्वेश्चन था उसके इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में था और फेसबुक में था, तो हम पूरा मेरा माथा वो हो गया था, पजल हो गया था हम कैसे कैसे करेगा ये वो हो रहा था, तो फ़ोन भी खुद का से यूज़ नहीं कर रहे, दूसरा का लेके कर रहे, तो मेरा आंसर वो नहीं हो रहा था, मतलब क्या बोले उसको लाइन से हम नहीं दे पा रहा था, तो थोड़ा मोड़ा दे दिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। इसके बाद रात हो चुका है तो मैं घर जाती हूँ। सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय। देखिए पूरा रात हो चुका है, इसका थ्रू हम दिखा रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय।